नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूपी एटीएस की वाराणसी टीम ने पश्चिम बंगाल के समीर मंडल को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने समीर के पास से अलग अलग नामों के कई पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद किए हैं। अमेठी में शिवरतनगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिव कुमारी, धनपता जमुनीपुर और शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी में थाना जामो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैर इरादतन हत्या और SC ST एक्ट में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राम बहादुर और लाल बाबू को गांधीनगर रोड तिराहे के पास से दबोचा है। बहराइच में मोतीपुर थाना पुलिस ने अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनिल के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।